दोस्तों, इसकी पिछले एपिसोड को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ काम की वजह से वीडियो को नहीं बना पाया। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में टैंक्शन देखता है बिबाडोंग खुद को रिकवर करने के लिए ड्रैगन सेक्ट के शेफ को इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन सेक्ट शेफ के लाइफ के साथ में उसके स्ट्रेंथ को भी ऑब्जर्व कर लेती है, जिस पर टैंक्शन को समझ में आ जाता है कि बिबाडोंग अपने माइंड पावर का इस्तेमाल करके पूरे ड्रैगन सेक्ट को एक डॉल के तरह इस्तेमाल करती है। वही हम देखते हैं कि बिबाडोंग को यह पता चल जाता है कि टैंक्शन वहाँ पर आ चुका है, जिसके बाद विंडस्वॉर्ड ट्राइब के लोग वहां पर एक परमिशन को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिसे देख करके टैंक्शन सोचता है कि मुझे इस परमिशन कंप्लीट होने से पहले अपने सी गॉड ट्राइडेंट को वापस लेना होगा, जिसके बाद वो सीधा बिबाडोंग के सामने जाकर के कहता है कि ठीक है, हम देखते हैं कि किसकी माइंड पावर ज्यादा है। वही बिबाडोंग टैंक्शन को ऐसा करता देख करके दो एल्डर्स को हेल्प के लिए बुलाते हैं, जिसके बाद वो अपनी सोल बोन का इस्तेमाल करते हुए टैंक्शन पर लॉन्च करती हैं, जिसे टैंक्शन डिपेंड करने के लिए अपने पर्पल गॉड लाइट का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यह लोग की अटैक टकरा करके वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट करते हैं, जिसके बाद टैंक्शन बिबाडोंग के इल्यूजन वर्ल्ड पहुंच जाता है। वहीं टैंक्शन को थोड़ी ही देर में यह समझ में आ जाता है कि यह बिबाडोंग के माइंड पावर की दुनिया है, मेरा माइंड और बिबाडोंग का माइंड एक दूसरे से अपकनेक्टेड हो चुका है। तभी वहां पर बिबाडोंग कहती है कि हाँ, तुमने सही सोचा, मेरा और तुम्हारा माइंड अपकनेक्टेड हो चुका है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बिबाडोंग अपनी गार्डियन स्पाइडर का इस्तेमाल करते हुए कई सारी स्पाइडर को बेचती है, सीधा टैंक्शन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह देख कर करके टैंक्शन अपनी स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही उसे पता चलता है कि वह बिबाडोंग के माइंड वर्ल्ड में अपने स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन स्पाइडर से फाइट करते हुए सोचता है, बिबाडोंग मेरे अटैक की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गई थी, जिसकी वजह से उसके माइंड पावर भी काफी कम हो गई थी, लेकिन अब वो सेक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके ड्रैगन सेक्ट चीफ की सारी पावर और स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व कर रही है, जिसकी वजह से अब उसके माइंड पावर मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। तभी हम देखते हैं कि बिबाडोंग अचानक से एक और अटैक टैंक्शन पर लॉन्च करती है, इसकी वजह से टैंक्शन नीचे गिरते हुए सोचता है कि सच में एक 99 लेवल के स्पिरिट मास्टर की पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। वही अब तो बिबाडोंग के माइंड पावर बहुत खतरनाक हो गए हैं, इसलिए मैं अगर अभी उसे लगातार लड़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरे माइंड पावर पहले खत्म हो जाएगी, जिसके बाद वो मुझे आसानी से मार सकती है। तभी हम देखते हैं कि टैंक्शन वहाँ की स्पाइडर की जाल में फंस जाता है, जिसकी वजह से स्पाइडर उसे मारने की कोशिश करते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि टैंक्शन अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्हें दूर फेंक देता है। वही बिबाडोंग टैंक्शन की गोल्डन आईज को देख करके सोचती है कि आखिर अब वो क्या करने वाला है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से लड़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैंने ऐसी सिचुएशन पहले भी देखी है, जिसके बाद हमें स्लॉटर सिटी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर टैंक्शन स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ जब वो स्लॉटर किंग से लड़ रहा था, तभी वो अपना स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तभी हम देखते हैं कि बिबाडोंग टैंक्शन पर अटैक करते हुए सोचती हैं, हालांकि मेरी स्ट्रेंथ इक्वल में डोमिनेट होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों टैंक्शन के माइंड पावर लगातार बढ़ती जा रही और ऐसा लग रहा है कि उसके माइंड पावर कभी भी खत्म ही नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैंक्शन बिबाडोंग के सभी अटैक को डूश कर रहा होता है, जिसे देख करके बिबाडोंग सोचती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिसके बाद वो एक पावरफुल माइंड अटैक टैंक्शन पर लॉन्च करती है, जिसे टैंक्शन डिपेंड करने की कोशिश करने लगता है। वही बिबाडोंग के स्पाइडर्स इसी मौके का फायदा उठा करके उसे लगातार नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टैंक्शन की हालत खराब होने लगती है। तब टैंक्शन को ऐसा लगता है कि अब वह हार जाएगा, लेकिन तभी अचानक से उसकी एशुरा हेल के पावर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टैंक्शन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से बिबाडोंग की सभी स्पाइडर्स मारे जाते हैं, जिसके बाद टैंक्शन अपनी किलिंग गॉड का इस्तेमाल करता है, जिसे देख करके बिबाडोंग सोचती है कि यह पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वो देखते हैं कि टैंक्शन ने अपनी सारी पावर को आंखों में कट कर लिया होता है, जिसकी वजह से वह टैंक्शन को जल्दी से रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि अगर टैंक्शन इस अटैक को लॉन्च करता है तो वो जरूर हार जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि टैंक्शन अपनी पर्पल डेमन आई फुल फ्रॉम एशुरा लाइट का इस्तेमाल करता है, जिसके पावर इतने स्ट्रांग होती है
है कि बिबरडोम के अटैक को तुरंत ही पीछे धकेलने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक असुरा गॉड की शैडो आ जाती है जो बिबरडोम के माइंड वर्ल्ड में उसी को ही टॉर्चर करने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टैंक्शन अपना असुरा अटैक को लॉन्च कर देता है, जिसकी वजह से टैंक्शन बिबरडोम के माइंड वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। वही हम देखते हैं कि टैंक्शन की अटैक के पावर इतना ज्यादा होती है कि बिबरडोम पीछे जाकर के गिरती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन मास्टर अब वह लगभग मारा जा चुका होता है। तभी अचानक से सी गॉड ट्राइडेंट में हलचल होती है, जिसके बाद वहां पर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहां पर विंड स्वॉर्ड ट्राइब के परमिशन पूरी तरह से टूट जाता है। वही टैंक्शन अगले ही पल अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करके ट्राइडेंट को अपने पास बुला लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेलिंग पास पर हुहन एम्पायर के सोल्जर टैंक्शन को ट्राइडेंट के साथ देख करके डर जाते हैं। वही टैंक्शन अपने के हेल्प से वहां पर एक बहुत ही पावरफुल डोमेन को क्रिएट करता है, जिसे देख करके ऑस्कर कहता है कि पता नहीं टैंक्शन अब वहां पर क्या कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसके अटैक को पहले कभी नहीं देखा। तो टैंक्शन के अटैक को देख करके बताते हैं, जरूर टैंक्शन ने अपनी डेमन आय के साथ में जरूर सी गॉड लाइट का इस्तेमाल किया है, इसलिए मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि वो अपने माइंड पावर का इस्तेमाल करके कई सारे नए टेक्निक को क्रिएट कर सकता है। वही मुझे एक और बात पर हैरानी है कि वो इतनी पावरफुल एनिमी का पेस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसका दिमाग पूरी तरह से शांत था। तभी शू कहती है कि इतनी पावरफुल अटैक के बाद में मेरे ख्याल से उसके माइंड पावर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिसके बाद देखते हैं कि टैंक्शन जेलिंग पास से बाहर आ जाता है। वही उसके पीछे फिश मास्टर और घोस्ट लिप्ट आ जाते हैं। ये देख करके टैंक्शन जल्दी से सी गॉड लाइट को रिलीज करता है, लेकिन हम देखते हैं कि टैंक्शन की हालत इस समय खराब होती है। तभी वहां पर पूरे के पूरे श्रेक डेविल्स के टीम टैंक्शन को हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद शू टैंक्शन को एक मेडिसिनल सॉसेज देने के बाद उसे अपनी स्पिरिट पावर से हील करने लगती है। वही बाकी के लोग चारों तरफ टैंक्शन को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, जिसके बाद डाई मुंबई हुहन एम्पायर के सोल्जर्स कहता है कि आखिर में तुम लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो, तुम लोगों को तो हुहन एम्पायर के तरफ से लड़ना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं मास्टर सोल्जर को कहता है कि तुम लोग शांत रहो, और यह कहने के साथ ही हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।